नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षाएं कब होंगी। दोस्तों, जैसा कि न्यूज़पेपर में यहां पर निकल चुका है कि पॉलिटेक्निक की जो वार्षिक परीक्षाएँ हैं वो जून में होंगी। ठीक, कारण देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि लोकसभा चुनाव की वजह से जो पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम में जो बदलाव किया गया है। ठीक, क्योंकि हमेशा की तरह जो पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षाएं थी मई में ही संपन्न हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो क्या है, बच्चों को एक महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर तैयारी करने के लिए, तो वार्षिक परीक्षाएँ जो है मई के में ना होकर के वार्षिक परीक्षाएँ अब जून में होंगी। ठीक, पहले ये जो परीक्षा थी वो 17 मई से शुरू होनी थी, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम का डेट रहता था वो रहता था 10 मई से लेकर के 20 मई के बीच में रहा करता था, लेकिन इस बार ये परीक्षा जो है 17 मई से शुरू होनी थी। ठीक, लेकिन प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव जो है संजीव कुमार जी ने यह बताया कि जो परीक्षा का कार्यक्रम है 25 मार्च को होने वाली समिति की बैठक में तय किया जाएगा। ठीक, और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले की तारीख भी बढ़ा दी गई है। इसी के लिए देखिए, जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक में नया एडमिशन होता है साल के शुरू में, सेशन के शुरू में जब पॉलिटेक्निक में नया एडमिशन होता है उसकी भी तारीखें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कैसे एडमिशन कराया जाए, क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसलिए उनकी तारीखें भी बढ़ा दी गई हैं। प्रवेश के लिए भी जो आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख थी वो भी अभी 14 मार्च थी और इसे भी बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। ठीक, तो ये है, आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको एडवांटेज यह मिल रहा है कि एक महीना पूरा का पूरा टाइम आपको जो है अपने प्रिपरेशन पर तैयार करने के लिए मिल जा रहा है। धन्यवाद।